हाय स्टूडेंट, मैं हूं संधू। जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए फिर से लेके आया हूं एक्सेल में एक नई वीडियो, कैसे हम लोग पीएमटी फंक्शन का उपयोग करते हैं। चलिए देखिए, मैंने एक डाटा बना के रखा है, यहां पे मैंने हेडिंग दिया है हाउ टू यूज आ पीएमटी फंक्शन। पीएमटी फंक्शन का प्रयोग कब करते हैं इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं हम लोग। यहाँ पे पीएमटी मतलब पर मंथ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। मैंने कैसे क्या इस फॉर्मूले का, इस फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करना है, कब किया जाता है, तो आपने सुना होगा ईएमआई मतलब इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे मैंने क्या कर दिया, एक कार खरीदा और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बनाया है डाटा और यहाँ पे प्राइस दिख रहा है इसका 5 लाख रुपया। उसके बाद से जिसका प्राइस है 5 लाख रुपया और यहाँ पे दिखा रहा है डाउन पेमेंट, मतलब डाउन पेमेंट जितना मैंने इसमें से पैसा दे दिया, कितना दे दिया, तो मैंने 3 लाख रुपये दे दिया है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे दिखा रहा है लोन अमाउंट, यहाँ पे लोन अमाउंट, तो लोन अमाउंट कितना है, तो हमारा इतना है। मतलब क्या किया मैंने, यहाँ से 5 लाख में से मैंने 3 लाख माइनस कर दिया और उसके बाद से जो हमारा लोन अमाउंट बचा या 2। मतलब पीएमटी फंक्शन का प्रयोग उस समय करते हैं कि आपने किसी से लोन लिया है या लोन पे कोई प्रोडक्ट खरीदा है, कार खरीदा है, बाइक खरीदा है, बिल्डिंग खरीदा है या शिक्षा के लिए आपने कुछ लोन लिया है, उस कंडीशन में क्या होता है, हम पीएमटी फंक्शन का प्रयोग करके हम यह पता कर सकते हैं कि मुझे पर मंथ इंस्टॉलमेंट उस लोन अमाउंट का कितना देना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि इस लोन अमाउंट का कितना इंटरेस्ट लेगा, 7% लेगा। अब कितने मंथ के लिए चाहिए आपको, 1 ईयर्स के लिए चाहिए कि 5 ईयर्स के लिए चाहिए या 10 ईयर्स के लिए चाहिए, जितने ईयर्स के लिए आपको चाहिए आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो मैंने एग्जाम्पल में क्या किया, यहाँ पे टाइप किया 60 मंथ। अब क्या करना है, मुझे ईएमआई पता करना है, मतलब मैं हर मंथ इंस्टॉलमेंट कितना दूंगा, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, यह मुझे पता करना है। उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, पीएमटी फंक्शन का प्रयोग करते हैं, या पीएमटी फार्मूला कहो या पीएमटी फंक्शन कहो। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें, मैंने एक हेडिंग बनाया है, यहाँ पे देखिए ईएमआई, मतलब मुझे ईएमआई कैलकुलेट करके यहाँ पे पता करना है कि मंथली इंस्टॉलमेंट मुझे कितना देना है। अगर कभी ऐसा कंडीशन आ जाए कि कोई लोन अमाउंट है उसका इतना परसेंट इंटरेस्ट है, उस अमाउंट का हर मंथ कितना इंस्टॉलमेंट मुझे देना पड़ेगा, उस कंडीशन में हम पीएमटी फंक्शन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ईएमआई, तो मैंने क्या किया, इसके लिए फार्मूला लगाया, मैंने क्या किया यहाँ पे इक्वल टू किया। इक्वल टू करने के बाद से मैंने लिखा पीएमटी, पीएमटी जैसे मैंने टाइप किया और यहाँ पे देखिए मैंने टैब बटन दबा दो, देखिए ब्रैकेट हमारा ओपन हो गया, या तो हम ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहला मेरा ऑप्शन जो पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है रेट, तो ध्यान से समझिए, रेट मतलब पूछ रहा है उस लोन अमाउंट का कितना परसेंट वह रेट ले रहा है, 7% या 10% या 9% या 5%। अब जो कंपनी, हर कंपनियां का इंटरेस्ट अलग अलग होती है, जितना परसेंट होगा वो आप मुझे टाइप करके क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। रेट पूछ रहा है तो मैंने रेट क्या कर दिया है, रेट में मुझे इंटरेस्ट सिलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कितना है, 7% है, तो मुझे क्या करना होगा, इस 7% को मुझे सिलेक्ट करना होगा, मुझे टाइप नहीं करना है, क्या करना है, मुझे सिलेक्ट करना है। और जैसे मैंने सिलेक्ट किया उसके बाद से मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड बाई, और मुझे क्या करना है, 12 से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि 1 ईयर्स में कितने मंथ, तो 12 मंथ होते हैं, इस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में यहाँ पे 12 लगाना पड़ेगा। फिर से मैंने कामा किया, उसके बाद से पूछ रहा है नंबर ऑफ पीरियड, मतलब आप कितने मंथ के लिए ले रहे हैं, कितने मंथ में आप जमा कर सकते हैं वो आप बताइए, मुझे कितने मंथ के लिए चाहिए,
टू मंथ के लिए, वन ईयर्स के लिए या 60 मंथ के लिए, मैंने यहाँ पर मैं टाइप किया है 5 ईयर्स के लिए। यहाँ पे देखिए एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे दिख रहा मंथ 60 मंथ, अगर यस होता तो यस, यहाँ पे जो हमारा हेडिंग होता यहाँ पे यस होता और यहाँ पे हमारा क्या बताता, यहाँ पे 5 बताता। उस कंडीशन में मेरे क्या करना होता, उस कंडीशन में मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता, मतलब 5 × 12, क्योंकि मुझे अब मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ेगा 1 ईयर्स में कितने मंथ, 12 मंथ मुझे बताना पड़ेगा मंथ मल्टीप्लाई करके। तो उस कंडीशन मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली यहाँ पे मंथ टाइप कर दिया है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा मंथ आएगा 5 ईयर्स में मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद से नंबर ऑफ पीरियड, तो मैंने इसको किसको सेलेक्ट करना है, मंथ को सेलेक्ट करना, मैंने मंथ को सेलेक्ट किया और मैंने कामा किया। कामा करने के बाद से अब पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब यह प्रेजेंट वैल्यू क्या कहता है कि आपका लोन अमाउंट कौन सा है, उस लोन अमाउंट को आप बताइए। तो प्रेजेंट वैल्यू में हम क्या करते हैं, लोन अमाउंट को सेलेक्ट करते हैं। मैंने क्या किया है, लोन अमाउंट को सेलेक्ट किया और फिर से मैंने क्या किया, कामा कर दिया। अब पूछ रहा है फ्यूचर वैल्यू या फीबी, तो ये ऑप्शनल है हमारा, इसमें फ्यूचर वैल्यू हमारा कुछ नहीं होता है, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू में 0 टाइप करूंगा। फिर से मैंने क्या किया, कामा किया और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है टाइप, मतलब टाइप पूछ रहा है कि अगर आपको जो इंस्टॉलमेंट पता करना है मंथ के स्टार्ट से पता करना है या एंड से पता करना है। अगर स्टार्ट से पता करना है उस कंडीशन में आप 1 लगाइए, अगर एंड से पता करना है तो उस कंडीशन में आप 0 लगाइए। मुझे स्टार्ट से पता करना है मंथ के, मैंने 1 किया और ब्रैकेट को बंद किया। अब जैसे मैंने ब्रैकेट को बंद किया और मैंने इंटर बटन दबा दिया, देखिए जैसे मैंने इंटर बटन दबाया ये हमारा अमाउंट ईएमआई निकल के आ गया, कितना आया, 3,937 रुपया। मतलब मैंने क्या, लेकिन यहाँ पे देखिए डॉलर में आया, मुझे क्या करना होता है, इस डॉलर को हटाना होता है, मुझे नॉर्मल करना होता है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जनरल कर दिया और यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से मुझे क्या करना होता है, यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं हमारा अकाउंटिंग नंबर और यहाँ पे जो है हम सिंबल भी चेंज कर सकते हैं, रुपए का सिंबल भी लगा सकते हैं। तो हम ऐसे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम लोग अप्लाई करके देख सकते हैं। मुझे क्या करना है, यहाँ पे नंबर ही लेना है, मैंने नंबर ले लिया और नंबर लेने के बाद से माइनस में दिखा रहा है, मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद से मुझे यहाँ पे नॉर्मल लेना पड़ेगा और उसके बाद से ओके कर देना होगा। देखिए जैसे मैंने ओके किया अब यहाँ पे हमारा अमाउंट बता रहा है 3,937 रुपया 27 पैसा। तो मैंने क्या निकाला, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, हर मंथ इंस्टॉलमेंट मुझे कितना देना है इसके लिए मैंने यहाँ पे निकाल लिया। कितना मंथ देना है, तो 60 मंथ देना है, हर मंथ मुझे क्या करना पड़ेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा, तब जो मैंने लोन लिया है या लोन पे कोई भी मैंने प्रोडक्ट खरीदा है, कोई भी कार खरीदा, बाइक खरीदा या कुछ भी मैंने लोन पे खरीदा है, उस कंडीशन में कितना इंस्टॉलमेंट देना होगा यह मैंने पता कर लिया। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, पीएमटी फंक्शन का प्रयोग करना चाहते हैं तो हम पीएमटी फंक्शन का प्रयोग करके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से इसका दूसरा पार्ट लेके आऊंगा नेक्स्ट डे।